गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय सेल्फ प्रीना जारवाल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर. सो व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर? सो माइक्रो प्रोसेसर इज एन 8 बिट प्रोसेसर. 8 बिट प्रोसेसर मींस इट कैन रीड राइट एंड प्रोसेसिंग 8 बिट डेटा एट ए टाइम. सो बेसिकली वी कैन से दैट माइक्रो प्रोसेसर इज अ जनरल पर्पस 8 बिट प्रोसेसर. अब इसके अंदर क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक ही टाइम पर रीड राइट एंड प्रोसेस ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो 8 बिट का जो डेटा होता है उसको रीड राइट और प्रोसेस करने का काम करता है एक ही टाइम पे. इस वजह से इसका नाम दिया गया है माइक्रो प्रोसेसर. अब बताती है माइक्रो प्रोसेसर कितनी सप्लाई पर वर्क करता है, मीन्स इसकी जो पावर सप्लाई है वो कितनी है. सो जनरली जो माइक्रो प्रोसेसर है उसकी जो पावर सप्लाई है वो 5 वोल्ट है एंड इसकी जो क्लॉक फ्रिक्वेंसी है यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी पे वर्क करता है वो है 3 मेगाहर्ट्ज. अब बात आती है जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है हमने बता दिया कि 8 बिट का प्रोसेसर है, क्या है क्या नहीं है, बट ये वर्क किस तरीके से करता है, किसके साथ करता है, उसके बारे में बात करते हैं. तो माइक्रो प्रोसेसर का क्या है, एक प्रोग्रामिंग मॉडल है वो मैं आपको ड्रॉ करती हूँ. प्रोग्रामिंग मॉडल में देखिए क्या क्या है, एक है अक्यूम ए, एक फ्लैग रजिस्टर, दूसरा बी सी डी ई एच एल एंड स्टैक पॉइंटर एंड दिस वन इज प्रोग्राम काउंटर एंड यहाँ पर लगे होते हैं डेटा बस एंड एड्रेस. तो देखो यहाँ पर क्या है, जो माइक्रो प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग मॉडल है वहां पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए फॉर होता है एक्यूमलेटर. अब एक्यूमलेटर होता क्या है, इट वर्क एज एन राइट हैंड ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. कैसे, क्योंकि जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म किए जाते हैं एक्यूमलेटर के थ्रू. अक्यूमलेटर क्या है, एक 8 बिट का रजिस्टर है जिसके थ्रू लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं. उसके बाद बात आती है फ्लैग रजिस्टर की. फ्लैग रजिस्टर एक तरीके का स्टेटस रजिस्टर है. ये भी कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है, बट इसमें क्या होता है, जैसे अक्यूमलेटर है, अक्यूमलेटर 8 बिट के डेटा का अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो इसमें अक्यूमलेटर में तो होता है D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड 8 ब्लॉक और D7. लेकिन जो फ्लैग रजिस्टर होता है, फ्लैग रजिस्टर में क्या होता है, पहली बिट होती है कैरी, दूसरी ब्लैंक रहती है मीन्स एम्प्टी रहती है, फिर आती है ऑक्सिलरी कैरी, फिर ब्लैंक यानी एम्प्टी रहती है, देन प्रायोरिटी, देन ब्लैंक, देन जीरो एंड देन साइन फ्लैग. मीन्स D0 बिट तो इसकी कैरी फ्लैग की तरह वर्क करती है, D1 बिट एम्प्टी रहती है, D2 में ऑक्सिलरी कैरी, D3 एम्प्टी, D4 प्रायोरिटी बिट की तरह वर्क करता है, D5 एम्प्टी एंड D6 जीरो फ्लैग एंड D7 साइन फ्लैग की तरह वर्क करता है. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि फ्लैग रजिस्टर में ओनली 5 जो बिट्स होती हैं वो वर्किंग में होती हैं, बाकी 3 एम्प्टी होती हैं. मीन्स 5 बिट्स हैं वही स्टेटस बताती हैं, बाकी 3 एम्प्टी रहती हैं. तो स्टेटस कैसे बताती है वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे यहाँ पर है CY का मतलब है कैरी फ्लैग. कैरी फ्लैग क्या होता है, इफ अक्यूमलेटर की D7 बिट से कोई कैरी जनरेट हो रही है देन कैरी फ्लैग क्या होता है, सेट होता है. इफ अगर D7 बिट से कोई कैरी जनरेट हो रही है तो, अदरवाइज कैरी फ्लैग क्या होता है, रीसेट होता है. सिमिलर वे में यहाँ पर ऑक्सिलरी कैरी आ रहा है. ऑक्सिलरी कैरी में क्या होता है, इफ अक्यूमलेटर की 3rd बिट से 4th बिट पर कोई कैरी जनरेट हो रही है देन तो ऑक्सिलरी कैरी सेट है, अदरवाइज ऑक्सिलरी कैरी रीसेट होगा. इसी तरीके से पैरिटी बिट में होता है, यदि एक्यूमलेटर की जो बिट्स है उसमें नंबर ऑफ वंस इवन है देन तो पैरिटी बिट सेट होगी, अदरवाइज ये रीसेट होगी. देन जीरो फ्लैग में ये होता है, यदि एक्यूमलेटर में जो बिट्स है, नंबर ऑफ बिट्स है वो 0 है तो 0 फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज रीसेट. मीन्स कम्प्लीटली जो आउटपुट है वो 0 होगा तो 0 फ्लैग सेट है, अदरवाइज रीसेट.
देन आता है साइन फ्लैग. साइन फ्लैग में ये होता है इफ हमारे जो अक्यूमुलेटर है उसकी जो लास्ट बिट है वो अगर वन है तो साइन फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज रीसेट होगा. सो दीज आर द फाइव फ्लैग्स ऑफ फ्लैग रजिस्टर एंड थ्री फ्लैग्स आर एम्प्टी. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फ्लैग रजिस्टर में से पांच फ्लैग ही स्टेटस को शो करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के, बाकी तीन एम्प्टी रहते हैं. उसके बाद आता है जनरल पर्पज रजिस्टर. सो जनरल पर्पज रजिस्टर में है बी सी डी ई एच और एल. बी सी डी ई एच और एल. सो बी 8 बिट का रजिस्टर है, सी बी 8 बिट का रजिस्टर है, डी भी 8 बिट का रजिस्टर है, ई भी 8 बिट का रजिस्टर है, एच भी 8 बिट का रजिस्टर है और एल भी 8 बिट का रजिस्टर है. 8 बिट का रजिस्टर होने का मतलब ये है कि जो रजिस्टर है वो डेटा को बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है. तो बी सी डी ई एच एल ये 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, तो ये 8 बिट के डेटा को स्टोर करने का काम करता है. अब बात आती है कि ये 8 बिट के डेटा के साथ तो वर्क कर लेंगे, लेकिन इफ अगर 16 बिट के डेटा को होल्ड करने की बात आई तो कैसे करेंगे? तो उस टाइम पे पेयर में काम करता है. सो बी और सी का एक पेयर बनता है, डी और ई का एक पेयर बनता है, एच और एल का एक पेयर बनता है. तो बेसिकली तीन पेयर हो गए, बी सी डी ई एंड एच एल. सो ये बी सी 16 बिट के डेटा को स्टोर करेगा, इसी तरीके से डी ई 16 बिट के डेटा को कैरी करेगा, इसी तरीके से एच एल भी 16 बिट के डेटा को कैरी करेगा. फिर आता है स्टैक पॉइंटर, एस पी 4 स्टैक पॉइंटर. सो स्टैक पॉइंटर में क्या होता है, स्टैक पॉइंटर 16 बिट का मेमोरी एड्रेस रखता है. 16 बिट के जो डेटा है उसका मेमोरी एड्रेस होल्ड करने का काम स्टैक पॉइंटर करता है. सो बेसिकली हम कह सकते हैं होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक. स्टैक का रूल क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट. सो बेसिकली 16 बिट का मेमोरी एड्रेस रखता है. उसके बाद आता है पीसी. पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर. सो प्रोग्राम काउंटर होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट बाइट ऑफ द प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड. मीन्स जो प्रोग्राम है जिसमें जो भी बिट हमारी है, जो भी बाइट हमारी एग्जीक्यूट होने वाली है, उससे नेक्स्ट बाइट का ये मेमोरी एड्रेस होल्ड करके रखता है. ये भी 16 बिट के मेमोरी एड्रेस को ही होल्ड करने का काम करता है. सो बेसिकली स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर 16 बिट के मेमोरी रजिस्टर की तरह वर्क करते हैं, और बी सी डी ई एच एल ये 8 बिट के डेटा, 8 बिट के जनरल पर्पज रजिस्टर है जिनको पेयरिंग में यूज करके 16 बिट का डेटा भी स्टोर किया जा सकता है. ए फॉर अक्यूमुलेटर, जो कि अर्थमेटिकल और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन है उस वो परफॉर्म किए जाते हैं इसके थ्रू, एंड ये भी 8 बिट का डेटा स्टोर करता है. फ्लैग रजिस्टर भी 8 बिट का रजिस्टर है, बट इसमें से फाइव फ्लैग्स हैं वो ही स्टेटस को शो करते हैं, बाकी थ्री फ्लैग्स एम्प्टी रहते हैं. उसके बाद बात आती है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डेटा बस एंड एड्रेस बस. सो बेसिकली डेटा बस और एड्रेस बस है क्या, तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि बस क्या होता है. देखिए बस, तो माइक्रो प्रोसेसर में बस का मतलब ये है कि बस माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल डिवाइस और पेरिफेरल डिवाइस से माइक्रो प्रोसेसर तक डेटा को लाने ले जाने का काम करता है. सो बेसिकली बस हमारा बायडायरेक्शनल परफॉर्म करता है, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल तक भी वर्क करता है, पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर तक भी. जैसे ये है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर, ये कोई पेरिफेरल डिवाइस है. बेसिकली ये क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल पे डेटा लेके जाएगा और पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर भी डेटा लाने ले जाने का काम करेगा. अब बस क्या होता है, तीन तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज एड्रेस बस, सेकंड वन इज डेटा बस एंड थर्ड वन इज कंट्रोल बस. ठीक है, तो एड्रेस बस क्या करता है, 16 बिट का जो डेटा होता है उसका एड्रेस रखता है. ये एक यूनिडायरेक्शनल बस होती है, तो एक ही डायरेक्शन में परफॉर्म की जाती है. देन आता है डेटा बस. डेटा बस जो होता है वो बायडायरेक्शनल बस होता है. बायडायरेक्शनल मतलब ये कि ये दो एक ही डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है, और ये 8 बिट का डेटा रखता है या 8 बिट के डेटा के साथ वर्क करता है. और ये ध्यान रखना है, ये 16 बिट के डेटा के साथ वर्क करता है. ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बायडायरेक्शनल है.
कंट्रोल बस, कंट्रोल बस जो भी बस माइक्रो प्रोसेसर की जो कंट्रोलिंग देख रहा है, बेसिकली जो भी डेटा को लाने ले जाने का काम किया जा रहा है उसका जो कंट्रोलिंग है वो कंट्रोल बस के थ्रू किया जाता है। सो बेसिकली दीज आर द थ्री पार्ट्स ऑफ द बस, यानी कि एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। फिर बात आती है 8085 के पिन डायग्राम की। सो 8085 का यहाँ आपको पिन डायग्राम दिख रहा है। इस पिन डायग्राम में देखिए इसमें 40 पिन है, मींस टोटल नंबर ऑफ जो पिन है वो है 40। इसमें जो 40 नंबर पे पिन है वो है बीसीसी मतलब मेन पावर सप्लाई जो कि है 5 वोल्ट की। 20th नंबर पे जो पिन है वो है बीएसएस मतलब ग्राउंड। सो बेसिकली ये दो पिन तो हमारी 20 और 40 नंबर पे आ गई। उसके बाद आती है हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे हो कि ट्रैप, आरएसटी और ये आई इंडिया, मीन्स ट्रैप आरएसटी 7.5, आरएसटी 6.5, आरएसटी 5.5 एंड INTR। INTR का मतलब है इंटरप्ट रिक्वेस्ट। सो बेसिकली ये जो है वो पांच टाइप जो आपको दिखाई दे रही है ये इंटरप्ट है, इन्हें बोलते हैं इंटरप्ट। सो बेसिकली दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटरप्ट। ये अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑर्डर लिखे हुए हैं। सबसे पहला हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रैप की होती है, सेकंड हाईएस्ट होती है आरएसटी 7.5 की, थर्ड हाईएस्ट आरएसटी 6.5 की, फोर्थ हाईएस्ट आरएसटी 5.5 की और लोएस्ट प्रायोरिटी होती है INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट की। तो ये हमारे इंटरप्ट सिग्नल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक एसओडी एंड एसआईडी। एसओडी का मतलब है सीरियल आउटपुट डेटा लाइन एंड एसआईडी का मतलब है सीरियल इनपुट डेटा लाइन पे। यहाँ आप देखिए AD0 से AD7 लिखा हुआ है, मीन्स AD0 टू AD7 की। तो ये हमारे पास मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस है, मीन्स मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस। तो ये बोथ डायरेक्शन में वर्क करती है बिकॉज डेटा बस भी है और डेटा बस बाई डायरेक्शनल वर्क करती है। तो ये जो पिन्स हैं इसमें जो एड्रेस डेटा बस का जो मल्टीप्लेक्स फॉर्म है ये बाई डायरेक्शनल होता है और ये 8 बिट के डेटा के साथ वर्क करता है। देन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर A8 टू A15। इसका मतलब है एड्रेस बस। सो दीज आर द एड्रेस बस। उसके बाद आपको दिख रहा है ALE। ALE की फुल फॉर्म होती है एड्रेस लैच इनेबल। इसी तरीके से यहां पर आपको एक पिन नजर आ रही है INTA। INTA का मतलब होता है इंटरप्ट एक्नॉलेज। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ पिन दिखाई दे रही है S0, S1, रीड राइट इनपुट आउटपुट मेमोरी। तो S0 और S1 यहाँ पर स्टेटस सिग्नल की तरफ वर्क करते हैं। इसी तरीके से IO/AM भी स्टेटस सिग्नल की तरफ वर्क करते हैं। बेसिकली उसके बाद आपको दिख रहा है रेडिंग, रीड राइट, रीसेटिंग, क्लॉक, HLDA, होल्ड वगैरह, ये सारे कंट्रोल सिग्नल या एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल जो होते हैं उनकी तरह वर्क करते हैं। यहाँ पर आपको X1, X2 दिखाई दे रहा है। इस X1, X2 का मतलब है जो हम क्लॉक फ्रिक्वेंसी देंगे माइक्रो प्रोसेसर में इंटरनल क्लॉक जनरेटर को, तो वो इन पिन के थ्रू दी जाती है। सो बेसिकली ये 40 पिन है और इन 40 पिन के थ्रू वो माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है। सो दिस इज द पिन डिस्क्रिप्शन या पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो आज के टॉपिक में इतना ही। आज हमने प्रोग्रामिंग मॉडल और पिन डायग्राम के बारे में देखा है। देख लीजिए आप फिर से, ये 40 पिन की आईसी होती है एंड माइक्रो प्रोसेसर के लिए आपको ये याद रखना है कि माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का प्रोसेसर है जो कि एक ही टाइम पे रीड राइट और प्रोसेसिंग का काम करता है। सो थैंक यू।